नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज। एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि चिराग तले अंधेरा। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं भारत सरकार की उस योजना का जिसके लिए करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया गया और योजना थी स्वच्छता मिशन, जिसके लिए शासन प्रत्येक ग्राम सभा में लोगों को शौचालय की सौगात देकर पूरे प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त करने का दावा किया है। लेकिन अगर हम गाजीपुर की बात करें तो स्वच्छता मिशन योजना जो जनपद के विकास भवन से संचालित होती है, इस विकास भवन में दर्जनों सरकारी कार्यालय हैं और इन कार्यालय में सैकड़ों महिला और पुरुष कर्मचारी कार्य करते हैं। लेकिन लोगों के लिए विभाग के द्वारा जो शौचालय भवन निर्माण के समय 1999 में बनवाए गए थे, आज पूरी तरह से खराब हो चुके हैं, जिसके चलते लोगों को कार्यालय समय में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम महिला कर्मचारियों के साथ होती है। इन सब समस्याओं को लेकर राज्य कर्मचारियों ने अपने विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलकर 2 दिनों के लिए सत्याग्रह आंदोलन पर बैठ गए हैं। इन लोगों की मांग है कि 2 दिनों के अंदर उनकी बात नहीं सुनी जाती है तो राज्य कर्मचारी एक बैठक कर आगे की रणनीति बनाने पर मजबूर होंगे और जिसकी पूरी जिम्मेदारी जनपद के अधिकारियों की होगी। इतना ही नहीं, विकास भवन में चल रहे सरकारी विभागों के कई के छत तो मौजूदा समय में भी टपक रहे हैं, जिसके चलते सरकारी कार्य करने में बाधा उत्पन्न हो रही है। सब मामला एकदम जिन्हें है विकास भवन में शौचालय को लेकर के हमारा यह सत्याग्रह आज से चालू है जो 2 दिन से चलेगा। जैसा कि आपको बता दें, 15, 12, 17 से लगातार मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, जिला अधिकारी महोदय, उसकी प्रतिलिपि उत्तर प्रदेश शासन को भी हमने भेज चुका हूँ। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का प्रमुख एजेंडा में से स्वच्छता है और इसको लेकर के विकास भवन किसी भी तल पर आप जाएंगे, यहाँ विकास भवन के आला अधिकारी बैठते हैं जो कि पूरे जनपद में शौचालय का निर्माण हेतु धनराशि लोग उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन विकास भवन में एक भी शौचालय पूर्ण नहीं है, जिससे कि कर्मचारी और हमारे महिला कर्मचारियों को विशेष सबसे विशेष दिक्कतें होती हैं। इसी को लेकर के सत्याग्रह आज आंदोलन पहला दिन इसकी शुरुआत है, यह कल भी चलेगा। अगर इससे भी अगर बात नहीं बनती है तो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद एक बैठक पुनः करके इस आंदोलन को अगली रणनीति बनाने के लिए बाध्य होगा।